नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसी बेटी के बारे में जिसका चयन BCCI की एक टीम में हुआ है। इधर विश्व क्रिकेट से झूलन गोस्वामी ने संन्यास की घोषणा की और बिहार की बेटी को टीम में जगह मिल गई। बिहार की इस बेटी के संघर्ष को देखकर आप भी कहेंगे वाह, कमाल का हौसला है। पहले सिर से पिता का साया उठ गया और अब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जुनून कहाँ किसी को रोक पाया है। अपने जुनून, अपने दीवानगी, अपने हौसले के लिए बिहार की बेटी 15 किलोमीटर ट्रेन का सफर तय कर प्रैक्टिस करने जाती है। बिहार की बेटी की प्रतिभा देख कोई भी यह कह देगा कि हौसला कहाँ किसी को रोक पाया है। यह सब कुछ इसी हौसले के बदौलत हुआ है। आज भी बिहार जैसे प्रदेश में लड़कियों को क्रिकेट खेलना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जुनून और क्रिकेट खेलने के प्रति पागलपन ने बिहार की बेटी ने वह सब कुछ कर दिखाया जो एक आम और साधारण लड़की के बूते की बात नहीं है। भारत में क्रिकेट का जलवा है। क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, हर कोई क्रिकेट के प्रति दीवाना है। दीवानगी इस कदर है कि जब क्रिकेट मैच हो तो सड़कें सुनसान हो जाती है। इसी क्रिकेट की दीवानगी में भारतीय महिला टीम का भी प्रदर्शन इन दिनों बेहतरीन रहा। भारतीय महिला टीम में मिताली राज, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा जैसे खिलाड़ियों को कौन भूल सकता है। इसी क्रिकेट का सपना मन में बोए बिहार की बेटी सरिता रोज 15 किलोमीटर ट्रेन से सफर कर अपने प्रैक्टिस के लिए जाती है। सरिता का सपना टीम इंडिया की ब्लू जर्सी पहनना है और वह अपने इस सपने की ओर बढ़ चुकी है। सरिता का चयन BCCI की ओर से नेशनल जूनियर गर्ल अंडर 19 महिला T20 टीम के 40 सदस्यीय प्रिपरेटरी कैंप में हुआ है। सरिता का संघर्ष किसी प्रेरणा से कम नहीं है। सरिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, लेकिन उसका हौसला बहुत मजबूत है। सरिता के पास एक जुनून है, उसे हासिल करना चाहती है। आपको बता कि बिहार की बेटी को बतौर ऑलराउंडर गेंदबाज टीम में चयन किया गया है। सरिता अपनी इस कामयाबी के पीछे अपनी मां का योगदान मानती है। सरिता का घर दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के बीजावारा गांव में है। सरिता को एक क्रिकेटर के तौर पर पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि सरिता के पिता आज अगर जिंदा होते तो आज अपनी बेटी के चयन पर गौरवान्वित महसूस करते। सरिता की मां बताती है कि वह बचपन से ही खेलने कूदने में काफी तेज तर्रार थी। सरिता के क्रिकेट सफर की बात करें तो वह ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल चुकी है। यहां उनका प्रदर्शन शानदार रहा। यूनिवर्सिटी लेवल में अंडर 19 की उपकप्तान भी रह चुकी है। सरिता के गांव के लोग ने बताया कि वह रोज क्रिकेट के प्रैक्टिस के लिए 15 किलोमीटर दूर ट्रेन से जाती है। गांव के लोगों ने यह भी कहा कि आज सरिता के पिता नहीं है, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। हम सभी जानते हैं कि सरिता एक दिन भारतीय टीम में खेलते हुए दिखाई देगी, ताकि प्रदेश का और देश का दोनों का नाम हो और सरिता नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।